12 सितंबर को जिला के सीमांत गांव दुलेहड़ में हुए रविंद्र कुमार हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है, जबकि अभी भी कुछ खुलासे होना बाकी है। पुलिस अधीक्षक अरजीत सेन ठाकुर ने शुक्रवार शाम पत्रकार वार्ता के दौरान पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया। इसी गांव में अप्रैल 2022 में हत्या आरोपियों में से एक के साथ हुई मारपीट का बदला लेने के लिए सभी आरोपी दुलेहड़ गांव में पहुंचे थे और इसी दौरान इन्होंने रविंद्र उर्फ सेठी की हत्या कर दी। पुलिस द्वारा अभी तक मुख्य आरोपी के सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से एक नाबालिग युवक बताया गया है, जबकि रविंद्र हत्याकांड का मुख्य आरोपी भी महज 23 साल का युवक है। पुलिस को इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए मृतक के उस मोबाइल की लोकेशन ने काफी अहम रोल अदा किया, जिसे हत्या के बाद सभी आरोपी अपने साथ ले गए थे। जबकि इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में इंस्टॉल किए गए सीसीटीवी की फुटेज में भी आरोपी के चेहरे कैद होना एक अहम कड़ी का काम कर गया। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ करने के लिए केवल पंजाब पुलिस बल्कि राजस्थान पुलिस की भी मदद ली। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए न केवल पंजाब पुलिस बल्कि राजस्थान पुलिस की भी मदद ली है। हत्या आरोपियों में से कुछ लोगों के पंजाब में क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आए हैं, जिनकी जांच स्थानीय पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है। वहीं रविंद्र कुमार की मौत को घाट उतारने में इस्तेमाल किए गए देसी कट्टे को भी बरामद कर लिया गया है। यानी 12/9 को एक FIR हमारे यहाँ रजिस्टर हुई थी, जिसमें एक वारदात घटित हुई थी दुलेहड़ गाँव में। हमने FIR नंबर 204/22 जो है इसमें रजिस्टर की थी अंडर सेक्शन 302 और आर्म्स एक्ट की अलग अलग धाराओं में। ये पुलिस थाना हरोली में ये इंसिडेंट हुआ था। इसमें एक व्यक्ति थे, उनके ऊपर जो है गोली चला के कुछ लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी, और साथ में उनका जो एक भतीजा था उनके ऊपर भी अटैक किया था। ये दो मोटरसाइकिल पे चार लोग सवार थे, और जैसे आपको मालूम ही होगा जहाँ ये इंसिडेंट हुआ वो 3-4 किलोमीटर के आसपास ही है पंजाब बॉर्डर के साथ। तो ये सभी लोग जो है पंजाब की तरफ एस्केप कर गए थे। इसके ऊपर हमने FIR की थी रजिस्टर, और इसके बाद हमने एक अलग अलग टीमें बनाई, जिसमें DSP हेडक्वार्टर, SDPO हरोली, SHO सदर, SHO हरोली, चौकी इंचार्ज टालीवाल और CIA के जो हमारे इंचार्ज हैं, उन सभी ने टीम्स अलग अलग दिशाओं में हमने भेजी, और उनका एनालिसिस CCTV और मोबाइल डेटा का एनालिसिस करने के बाद जो है हमने पिछले कल जो एक व्यक्ति है लास्ट जो इसमें एक्यूज है उसको अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त की। देखिए, इसमें कुछ लोग तो वो हैं जिन्होंने इनको वेपन छुपाने में या वारदात होने के बाद शरण देने में इनकी हेल्प की, तो वो भी हमारे यहाँ पे इस केस में जो है मुलजिम बनते हैं। साथ ही साथ 12 तारीख को जब ये इंसिडेंट हुआ उससे एक दिन पहले कुछ और लोग भी यहाँ पे एक रेकी करने आए थे। टोटल 6 लोग 2 बाइकों पे सवार होके हमारे एरिया में दुलेहड़ टालीवाल एरिया में जो है घूम के गए, और फिर वापस रात के समय जो है वो होशियारपुर वापस चले गए। अगले दिन 2 बाइक्स पे 4 लोग ही सवार होके आए थे, बट हमने जब इन्वेस्टिगेशन हम डिटेल में करने लगे तो टोटल 10 लोग इसमें आइडेंटिफाई हुए, जिन्होंने या तो मदद की हो या फिर इस अंजाम को, इस वारदात को अंजाम देने में किसी न किसी तरह की हेल्प की हो। ये जितने भी अपराधी पकड़े गए हैं, इनमें से जो मेन अक्यूज हैं उनके ऊपर पहले FIRs रजिस्टर्ड हैं। जो जसवीर है उसकी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं, बट आर्म्स एक्ट के अलग अलग धाराओं में एटलीस्ट 3 लोगों के ऊपर जो है FIR रजिस्टर्ड है, ये हमारे पास ऑफिशियल रिकॉर्ड है। बाकी ये एक वेपन, जैसे मैंने कहा 7.65 mm पिस्टल जो कि एक कंट्री मेड वेपन है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ये दसुआ में, और होशियारपुर के अन्य कई इलाकों में जो है हम इसकी वारदात पे या क्या इन्होंने काम किया है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, क्या हत्या के पीछे क्या कुछ कारण जो है वो अभी तक निकल कर सामने? देखिए, अभी तक हत्या की क्या मोटिव रहा एग्जैक्टली वो भी क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसको पुलिस रिमांड पे लिया है जो एक्यूज्ड हैं, और उनकी इंटरोगेशन कंटिन्यू रखेंगे। बट हमें ये ज़रूर मालूम है कि अप्रैल महीने में जो इसमें एक ऋषिपाल उर्फ मणि व्यक्ति है, इनके साथ दुलेहड़ में या उसके आसपास के एरिया में जो है मारपिटाई हुई थी। इसके रंजिश रखते हुए, इसका बदला लेने के उद्देश्य से जो है ये यहाँ पे आए थे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो भी सामने आएगा उसके बेसिस पे हम पूरा केस चार्जशीट करेंगे। सर, जो मारपीट हुई थी क्या वो रविंद्र सेठी के साथ हुई थी या अन्य किसी अन्य लोगों? नहीं, उसमें रविंद्र सेठी का नाम नहीं आ रहा, पर जो डिसीज्ड हैं, पर किस मकसद से ये मारपिटाई हुई थी और
किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें थी उसके ऊपर हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं।